हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और सबसे पहले मैं आपसे ये क्लियर कर दूँ कि ना मैं कोई एजेंट हूँ और ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक आम वो हूँ। रिसेंटली मुझे अभी 2 दिन पहले जो है ना यू एस ए का बी वन बी टू वीज़ा अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये जो वीज़ा अप्रूव हुआ है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में फर्दर बताऊंगा किस तरह ये वीज़ा अप्रूव हुआ है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मैंने भी ये B2 और B1 वीज़ा के सिलसिले में जो इतनी वीडियो देखी हैं उसमें लोग आप लोगों को जो तफसील से नहीं बताते। मैं अपनी अगली वीडियोस में ना आपको काफ़ी तफसील से वो चीज़ें बताऊँगा जो शायद दूसरे नहीं बताते, कि जैसे जो लोग अप्लाई करते हैं उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, जो बहुत सी गलत फहमी है। ठीक है, जो उनको बड़ी उसमें डाल देती हैं जो नए अप्लाई करने वाले होते हैं, जिन्होंने अप्लाई करा हुआ होता है उन्हें इस चीज़ का उन्हें पता है कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। दूसरा, कोई आपको ये नहीं बताता कि आपको वीज़े की जगह है कराची एम्बेसी, USA एम्बेसी मैं किस तरह जो है ना उसका एड्रेस क्या है, उसको पता क्या है, वहाँ कैसे जाया जाता है, कितने मिनट पहले जाया जाता है, और ये तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मुझे 2 दफ़ा वीज़े मिल चुके हैं, ये मेरा सेकंड टाइम है। ठीक है, तो इस बारे में आपको आगे बताऊँगा। चले मैं आप फौरन अपने मुद्दे पर आता हूँ, जैसे बोलते हैं आजकल ये जो वीज़ा स्लॉट हैं कोविड की वजह से ये 2 साल से वीज़ा स्लॉट्स की बहुत कमी हो गई थी, और अभी मैं खुद कराची में रहता हूँ लेकिन मैं अभी वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए इस्लामाबाद गया था, और मैंने जुलाई 2021 में अपना D-160 फॉर्म जो B-1 B-2 वीज़ा के लिए होता है वो मैंने भरा था, और तकरीबन 6 महीने की कोशिश के बाद जो मुझे जो है इत्तेफाक़ से मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ये 18 जनवरी का वीज़ा इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट मिल गई थी। जब वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट किस तरह लेते हैं, जो लोग ये D-160 भर चुके हैं उन्हें तो पता है कि किस तरह अपॉइंटमेंट ली जाती है और आज का अपॉइंटमेंट ना कितना मुश्किल है अपॉइंटमेंट, और जो नए ख्वाहिशमंद हैं जो भरने वाले हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब भी आप अपना वीज़ा फॉर्म भरें तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए आपको ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। एजेंट और ये कंसल्टेंट आज़ाद होते हैं, ये आपको सिर्फ एक ही दफ़ा दे देंगे, आपको पता नहीं लगेगा होगा क्या। इसमें होता यह है कि आप और अब तो ऑनलाइन जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये कॉल सेंटर वाले हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आपको शायद वीज़े की डेट ना दें। ठीक है, तो आपको अपना फॉर्म जो भरते हैं उसके बाद आपका जो कन्फर्मेशन पेज आता है, नहीं जब आप कन्फर्मेशन पेज भरते हैं तो उसके बाद आपको ये जो USA की कॉल सेंटर होता है जो कंपनी होती है उसमें आपको कॉल करनी पड़ती है, उनको आपको बोलना पड़ता है कि मैंने अपने D-160 फॉर्म भर लिया है तो काइंडली मुझे जो है ना मेरा अकाउंट बना दिया जाए। जब आप अकाउंट बनाते हैं वो आपको मेल करेंगे आपके मेल के अकाउंट के ऊपर, जो भी जीमेल या हो जो भी है जो भी आपने उनको देना होता है उसके ऊपर आपको मेल करेंगे, वहाँ से एक लिंक खुलेगा उसके ऊपर आपका एक अकाउंट बनेगा USTravel.com.pk का। ठीक है, उसके ऊपर आपको बार बार लॉगिन होना पड़ेगा और वहीं से आपकी फ़ीस भी भरी जाएगी और उसके बाद वहीं से आप अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, और उसके अंदर पूरा शेड्यूल होता है वो डे बाई डे टाइम टू टाइम हर 1-2-3 मिनट के बाद। कराची एम्बेसी, अगर आपने कराची के लिए अप्लाई करा है तो कराची के लिए अपॉइंटमेंट वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, अगर आपने इस्लामाबाद के लिए करा है तो फिर आपको इस्लामाबाद के लिए करना पड़ेगा। और इसमें ये भी शर्त है कि मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा था कि आप 3 दफ़ा इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपने 4थी दफ़ा करा उन्होंने मुझे बताया था तो फिर आपको वीज़ा फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी, मतलब दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और कराची में तो मेरे ख्याल में मैंने भी फॉर्म भरा था तो मुझे बहुत आगे की डेट मिली थी, फिर मैं दोबारा उसको रीस्कूजल करा, दोबारा फॉर्म भरा और फिर मैंने इस्लामाबाद की डेट ली 2 दफ़ा। एक दफ़ा डेट मुझे मिली 2023 की, फिर मैं उसको देखता रहा देखता रहा देखता रहा, फिर उसके बाद मुझे 2022
दिसंबर में डेट मिली। तो ये उसके बाद मैंने उसको देखता रहा, वो डेटें चलती रहती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, हर घंटे की बुनियाद पे आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आज खुशकिस्मती से आपको कोई डेट मिल जाए तो वो आप पिक कर सकते हैं। इतफाक़ से मुझे भी, मैं भी इतफाक़ से मेरा अकाउंट खोला तो उसमें 18 जनवरी की एक ही सिर्फ सीट थी जो मैंने फॉर्म पिक कर ली तो मुझे इंटरव्यू मिल गया, वरना मेरा दिसंबर में शायद इंटरव्यू होना था जो एक साल बाद, समझे एक साल का था। तो यही कहूँगा कि आप जो है ना, अगर आपको इंटरव्यू, क्योंकि वीज़ा स्लॉट बहुत मुश्किल से मिलने हैं, एम्बेसी में काम शुरू हो गया है, मैं जो इंटरव्यू देके आया हूँ तो काफ़ी रश था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनके पास जो स्टाफ मुझे लग रहा था कि वो कम है, जिस वजह से ये इंटरव्यू की स्लॉट जो है इतनी, मतलब वो है कि मुझे 2000 ये 18 जनवरी की मिली थी, लेकिन उसके बाद फ़ौरन जैसे मैंने रिफ्रेश करा अपने रिस्क्यूल करने के बाद, तो वो डेट फिर दिसंबर 2022 तक चली गई थी, मतलब बीच में कोई डेटें खानी थी, बहुत कम मतलब स्लॉट्स मिल रही हैं, लेकिन हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मलाइज हो जाए। मैंने पहले जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने ये सोचा कि मंगल को मैंने इंटरव्यू फॉर्म में कन्फर्मेशन पे निकाला है, बुध को मैंने फ़ीस भरी है और जुमेरात को मैंने उसका इंटरव्यू की डेट ली है और जुम्मे को मैं इंटरव्यू दे के आ गया था। और इसमें यह भी होता, इंटरव्यू की डेट किस तरह ली जाती है, जब अपना फॉर्म भर लेंगे कॉल सेंटर पर कॉल करेंगे, सही है, वो आपको आपका अकाउंट बना के देंगे, अकाउंट आपसे बनवाएंगे, वहाँ से आप अपनी फ़ीस भरेंगे एलाइड बैंक में फ़ीस भरी जाती है, जब आप स्लिप ले लेंगे उसके बाद आप उनको बताएंगे मैंने स्लिप ले ली है तो मुझे इंटरव्यू ले ली है। उसके बाद तकरीबन अगले दिन, नेक्स्ट दिन 11 बजे के बाद, सही, सेकेंड हाफ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इंटरव्यू की डेट ले लें। अभी ये मेरे हो सकता, मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं आपको ये यहाँ तक काफ़ी, बाकी जो वीज़े की दूसरी मालूम आते हैं B1 B2 वीज़ा की, जो मैंने खुद, क्योंकि मैं 2 दफ़ा वीज़ा मिल चुका है मुझे, तो उसको मैं आपको और आसानी करके आपको बता दूँगा किस तरह फॉर्म भरते हैं, किस तरह क्या होता है। फॉर्म इतना आसान होता है, एक दफ़ा आप खोलें तो मे बी पॉसिबल कि शायद उसे मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का बच्चा भी जो है ना आराम से फिल कर लेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगा, सब चीज़ शेयर करूँगा, लेकिन मेरा आज का मकसद ये था कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो भी कंडीशन चल रही है वो आपको बता दूँ। वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल रही है लेकिन बहुत आगे की डेट है, अगर आपकी किस्मत है हुई तो आपको फ़ौरन भी मिल जाएगी। तो जनाब, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करने, ताकि मैं आपको B1 B2 वीज़ा के बारे में और बहुत सी मालूमात जो है ना वो दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।